असम नॉर्थ ईस्ट वो विशेष क्षेत्र है जिससे पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी विशेष प्रेम करते हैं। पतंजलि योगपीठ के बाद पतंजलि योगपीठ जैसा ही भव्य और दिव्य संस्थान यदि कहीं बना तो पूरे देश में सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में मिर्जा में बना। आज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पहले जो योग क्रांति हुई, उसके बाद आयुर्वेद की क्रांति हुई, उसके बाद सत्ता परिवर्तन की क्रांति हुई, और उसके बाद अब मल्टीनेशनल कंपनियों से देश को बचाने के लिए, उनकी लूट से आजाद करवाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार के बाद सबसे पहले सबसे बड़ा संस्थान यदि कहीं लगा तो जिसके बारे में, जिस क्षेत्र के बारे में कॉरपोरेट लोग ये सोचते हैं कि यहां पर आकर कोई भी प्लांट नहीं चलाया जा सकता, यहां पर कोई भी बड़ा व्यवसाय नहीं किया जा सकता, यहां पर रिस्क बहुत है, लेकिन पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने नॉर्थ ईस्ट को, असम को, उस हरिद्वार के बाहर बड़े प्लांट के लिए सबसे पहली बार चुना। इसके लिए भी हम पूरे असम वासियों की ओर से, नॉर्थ ईस्ट वासियों की ओर से पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी का अभिनंदन करते हैं। और असम और हमारा नॉर्थ ईस्ट इसलिए भी विशेष है कि आज से 25 वर्ष पूर्व जब देश व दुनिया में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जब गंगोत्री की साधना को छोड़कर पहली बार संकल्प लिया कि अब देश के लोगों की सेवा करनी है, उस समय रेल के जनरल डिब्बे में बाथरूम के पास बैठकर देश के लोगों से दान लेकर अपने सिर के ऊपर दवाइयां लाकर यहां पर सबसे पहले सेवा का यदि क्षेत्र कोई चुना तो श्रद्धेय स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने आपके नॉर्थ ईस्ट को चुना, आपके असम को चुना। जैसे पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज नॉर्थ ईस्ट से प्रेम करते हैं, वैसे ही असम व नॉर्थ ईस्ट के लोग भी पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी से उतना ही प्रेम करते हैं। और आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नागालैंड के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, बोडोलैंड के बारे में सामान्य जनसाधारण का ज्ञान, जानकारी बहुत कम रहती है। आस्था के माध्यम से, योग शिविरों के माध्यम से पूरे देश व दुनिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक परंपराओं को, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को जाना है। नॉर्थ ईस्ट को एक नई पहचान योग के माध्यम से और पतंजलि के माध्यम से मिली है। यदि पूरे देश की हम बात करें तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में योग की दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मणिपुर जिसको अशांत इलाका माना जाता है वहां पर 500 से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं। नागालैंड की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, मिजोरम की बात हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह योग की गंगा बह रही है और हमारे हजारों कार्यकर्ता पूरे प्राणापण से इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा भारत स्वाभिमान, हमरू स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, 6 संगठनों के माध्यम से निरंतर प्रचार प्रसार चल रहा है। आइए हम सब योग की गंगा में स्नान करने के लिए, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वचन पाने के लिए, कैसे हम अपने असम को, अपने नॉर्थ ईस्ट को और अच्छा बनाएं, कैसे हम और आगे बढ़ाएं, हम आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। स्वः तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूज्य आचार्य जी, आदरणीय कांपा जी और पूरे संगठन को, पूरे उत्तर भारत से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में नेतृत्व देने वाले भाई राकेश जी और हमारे सारे संगठन के राज्य के कार्यकर्ताओं से लेकर के प्रत्येक जिले के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर आमंत्रित किया और अरुणाचल तथा
एक दो और भी स्टेटों का जहां भी संभव हुआ है कुछ कार्यकर्ताओं को नॉर्थ ईस्ट के दूसरे सिविल स्टेट से भी बुलाया गया। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। संसार में दो तरह के कार्य होते हैं, एक को बोला जाता सकाम कर्म, जो हम खेती करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, राजनीति करते हैं, कुछ करने के बदले कुछ पाने की आशा होती है। राजनीति में जब व्यक्ति सेवा करता है तो उसको एमएलए एमपी सीएम पीएम बनने की इच्छा होती है, इसको बोलते हैं सकाम कर्म। अच्छी बात है, अच्छी कामनाएं करना कोई बुरी बात नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही हमारी संस्कृति का पुरुषार्थ चतुष्टय है। सकाम कर्म वो होते हैं जिनमें हमने ये किया तो उसके बदले हमें ये मिलेगा, पैसा मिलेगा, अर्थात ये संपत्ति मिलेगी, ये सत्ता मिलेगी, ये सम्मान मिलेगा, मुझे ये उपलब्ध होगा। एक दूसरा होता है निष्काम कर्म, इसके बदले हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन सकाम जो कर्म होता है उसका छोटा फल होता है। खेती बिजनेस व्यापार राजनीति, जो भी हम सकाम कर्म करते हैं उससे हमें थोड़ा मिलता है, और जो निष्काम कर्म करते हैं इसका फल अनंत होता है। आज पतंजलि योगपीठ का यश यदि पूरी दुनिया में फैला है और पूज्य आचार्य बाक्षण जी और मैं स्वयं, हम लोग अनपढ़ माँ बाप के घर में, इलिटरेट फैमिली में, पुअर फैमिली में, सामान्य परिवार में पैदा होकर के, और आज यदि हमने देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रेम पाया है और पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में भारत का यश बढ़ाया है, तो इसके पीछे कारण सेवा है। देखो, सेवा से यह अभियान इतना आगे बढ़ा। अभी आचार्य जी 93 में इधर पहली बार आए, फिर 94 में, अब 93 को कितने ईयर हो गए, तो 93 से लेकर के 25 सालों से, उस समय का एक फोटो आचार्य जी ने, अभी तो यहां कोई स्क्रीन लगा हुआ नहीं है, आचार्य जी का बहुत पतला सा मुंह है उस फोटो में, मेरा भी पतला ही है, दाढ़ी पूरी नहीं थी, और पता नहीं वो कहां से फोटो किसी ने अपने घर में रख रखा था। नलबारी में आचार्य जी गए तो उसने फोटो दिया, तो आचार्य जी ने फोटो खींच लिया, फिर उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो फिर एक यहाँ के इंग्लिश अखबार ने पूरा स्टोरी बना के छाप दिया। हमारी सेवा सबसे पहले 25 साल पहले शुरू हुई तो आसाम से शुरू हुई। सेवा आसाम से शुरू हुई और योग शिविर हमारे गुजरात से शुरू हुए। हमने कभी भी जन्मस्थान का, प्रांत का बैरियर नहीं रखा, स्टेट का बैरियर नहीं, कास्ट का बैरियर नहीं, रिलीजन का बैरियर नहीं, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं। और आज सब भाई बहन, यहां बोडो भाई भी हैं, यहां असमिया भी हैं, बंगाली भाई भी हैं, हमारे नेपाली भाषा भाषी भाई भी हैं, नेपाली भाषा भाषी, बोडो, असमिया, बांग्ला, हिंदी, ये पूरा असम तो पूरा भारत है। ये खूबसूरती है कि सब इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए एकता, समानता, वननेस, इक्वलिटी, यही तो है अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी। इसके साथ हम लोग आगे बढ़े
और मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि हमारे ये जो बैठे हैं अभी करीब लगभग 2000 कार्यकर्ता, ऐसे ये तो वो कार्यकर्ता हैं जो लीड ले रहे हैं, ऐसे यहां से ज्यादा तो एक एक कार्यकर्ता के साथ 100-200 कार्यकर्ता। अभी अकेले कोकराझार में 181 योग कक्षाएं चलती है, तो उस एक कक्षा को चलाने के लिए कम से कम 3 से 5 कार्यकर्ता होते हैं, लगभग 1000 कार्यकर्ता तो अकेले कोकराझार में। एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है जो नियमित योग की कक्षा लेते हैं। ये निष्काम योग सेवा। फिर अब यहां काफी तो लाइफ मेंबर हैं, जो लाइफ मेंबर बने हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे। लाइफ पैटर्न फाउंडर, लाइफ कुछ पैटर्न भी बने, कुछ फाउंडर भी बने, कुछ कॉर्पोरेट भी बने, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। पीछे भी खड़े हैं, बहन भी खड़ी है हमारी, कुछ संकोच में खड़े भी नहीं हुए क्योंकि मैं कहीं उसे अभी मिल के भी आया। लाइफ मेंबर, पैटर्न मेंबर, फाउंडर मेंबर, अभी तो जो लाइफ थे वो पैटर्न फाउंडर बन गए, 5 लाख रुपए दिया, और जो पैटर्न थे वो कॉर्पोरेट बन गए, इस बार 2 भाई 11-11 लाख रुपए का दान दिया, सबका अभिनंदन। अभी हम कांपा जी के घर से आए तो कुछ बहनें आई, बोली जी हम जो है ललिता जी ने हमको लाइफ मेंबर बनाया था, अभी आपका जो गौशाला बन रहा है उसमें भी हम दान देना चाहते हैं। ऐसे सबके अंदर भावना है कि हमको दान देना है, हमें सेवा करना है, पतंजलि की सेवा में जुड़ना है। अभी देखो मैं आपको कुछ सेवा की बात बताना चाहता हूं। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, मेरे साथ बोलेंगे सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। बोले सेवा धर्मो परम गहनो, ये सेवा जो परम धर्म है ये बहुत गूढ़ धर्म है, ये योगियों को भी दुर्लभ होता है। यो सेवा करने का किसी को सौभाग्य मिल जाए, ऐसे अवसर ढूंढते रहने चाहिए कि मुझे सेवा का अवसर मिले। अपना गृह कार्य आपका 8-10-12 घंटे में पूरा हो जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी यदि कोई नौकरी करता है तो 1-2 घंटा आने जाने का, 1-2 घंटा परिवार का, तो भी 10 से 12 घंटे में आपका पूरा काम हो गया। आपके पास 24 आवर्स है, 6 घंटा सोने का, 1-2 घंटा आपका नित्य कर्म का, तो भी आपके पास में डेली 2 से 4 घंटे सेवा के लिए बचते हैं। यदि हम लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है तो आप 2 से 4 घंटा सेवा के लिए देंगे, इसी से हमारा पूरा बोरोलैंड से लेकर के पूरा असम और नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे पहुंच जाएगा। इतना तो समय दे सकते हैं हम लोग, ऐसा देना है सबको। और इसी के लिए आज की ये बैठक की है। सबको बहुत श्रद्धा से इस सेवा में अपने आप को पूरी तरह से समाहित करना है। देखो आप में से कुछ तो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे बैठे हाथ उठाना एक बार, जो स्टूडेंट्स हैं एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं। तो सैकड़ों तो स्टूडेंट्स हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं वो हाथ उठाना, जो नौकरी करते हैं सर्विस एजुकेशन में है या और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर में है, जो अपना बिजनेस करते हैं वो हाथ उठाना, कोई दुकान है कोई और व्यवसाय है वो भी हाथ नीचे कर लीजिए। कितने ऐसे हैं जो खेती करते हैं, खेती वाले हाथ नीचे कर लो, और कुछ आप में से रिटायर्ड हैं, रिटायर भी एक बार हाथ उठाना, रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। सेवा निवृत्त नहीं होता कभी भी आदमी, सेवा प्रवृत्त हो आप लोग। हाँ फिर कुछ जो है गृहिणियां हैं,
घर में घर का भी काम करती है और जो बाकी समय बच जाता है वो सेवा का काम करती है। तो कितने ऐसे हैं जिनको बोलते हैं ना अंग्रेजी में हाउस वाइफ, गृहिणियां हैं, घर का भी काम करती हैं, पति का, बच्चों का, घर का, गृहिणियां हैं, वो हाथ उठाएंगे जो गृहिणियां हाउस वाइफ है और ये सेवा खूब करती हैं, घर का काम किया फिर सेवा का काम। जोरदार तालियां इनके लिए। अलग अलग प्रोफेशन में हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, गृहिणियां हैं, नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, खेती वाले हैं, अपना काम करते करते वह है आपका सांसारिक धर्म, वह है आपका पारिवारिक धर्म, वह है आपका भौतिक धर्म और ये जो सेवा है यह है आपका आध्यात्मिक धर्म, पारमार्थिक धर्म। एक है संसार के प्रति अपने कर्तव्य, एक है गुरु गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता और भगवान के प्रति अपना कर्तव्य। तो ये जो सेवा है ना ये भगवान के प्रति अपना कर्तव्य है। सेवा से क्या क्या मिलता है देखो, यदि आप नौकरी करते हैं संसार में कोई सकाम कर्म करते हैं उससे पैसा मिलता है, पैसे में कितनी चीज खरीद सकते हैं, एक रुपए की चीज एक रुपए में खरीद सकते हैं, 100 की 100 में, 1000 की 1000 में, लाख की लाख में, करोड़ की करोड़ में। जो पैसा है उससे आप लिमिटेड चीजों को पा सकते हो। सेवा से क्या मिलता है आपको, सेवा से मिलता है आपको ज्ञान, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा। अच्छी बुद्धि किससे मिलती है, सेवा से, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अभी सबका मेमोरी का लेवल एक जैसा, टैलेंट का लेवल, नॉलेज का लेवल, आपके भीतर जो प्रतिभा है, जो प्रज्ञा जिसको बोला जाता है, मेधा, वो सबका लेवल एक जैसा नहीं है। ये किसका फल है, ये पुण्यों का फल है। जब हम संसार से जाते हैं तभी शरीर, जमीन, मकान, बीबी, बच्चे सब यही रह जाते हैं। तो हमारे साथ क्या जाता है, हमारा धर्म अधर्म, पुण्य अपुण्य, बैंक बैलेंस साथ जाने वाला नहीं है। हम जो ये पतंजलि योगपीठ भी बना के जा रहे हैं तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद को साथ लेके जाने वाले नहीं, लेकिन जो इससे पुण्य हो रहा है वो हमारे साथ जाएगा। ये गाय हमारे साथ नहीं जाएगी, गाय से जो पुण्य हो रहा है वो हमारे साथ जाएगा। याद रखना हमेशा, हमको यहां संसार में भी अच्छे से जीना है। शरीर अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, बीबी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, और यदि बीबी बच्चे वाला नहीं है तो गुरु भी अच्छा होना चाहिए और शिष्य भी अच्छे होने चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। ये एक पक्ष है, एक पक्ष, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इस दिखने वाले सत्य के पीछे भी एक अदृष्ट सत्य है। दो तरह के सत्य हैं संसार में, एक दृष्ट सत्य, क्या है बोलो, दूसरा क्या है, अदृष्ट सत्य, दूसरा क्या है। तो ये जो पुण्य है ना ये अदृष्ट सत्य, पुनर्जन्म है ये अदृष्ट सत्य, मुक्ति है ये अदृष्ट सत्य है, ये जो हमारी हमें मेधा मिली है अदृष्ट सत्य है, स्त्री पुरुष का जन्म मिला ये अदृष्ट सत्य है, मनुष्य का जन्म मिला। इस जन्म से पहले हम क्या थे किसी को पता है, अपने खानदान का पता है, माता पिता इस पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के गुरु का पता है, ये अदृष्ट सत्य, लेकिन पूर्व जन्म है। एंड व्हाट इज द प्रूफ, प्रमाण क्या, क्योंकि हम सबका मेधा अलग अलग है, हम सबका इमोशंस का लेवल अलग अलग है, हमकी हमारी निष्ठाएं अलग अलग है। तीन तरह की हमारी शक्ति है, एक हमारे ज्ञान शक्ति, एक हमारी निष्ठा की शक्ति, भाव, इधर है नॉलेज, इधर है इमोशंस, इधर एक्शन। सबका ज्ञान एक जैसा नहीं है, सबकी संवेदनाएं, सबकी इमोशंस का लेवल एक जैसा नहीं है, सबकी निष्ठाएं एक जैसी नहीं है, सबके कर्म एक जैसे नहीं है। दिमाग एक जैसा दिखने में ब्रेन, लेकिन इसके भीतर प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक का स्तर अलग अलग। हृदय, हार्ट देखने में एक जैसा, इसके अंदर इमोशंस अलग अलग, देखने में हाथ एक जैसा, कर्म अलग अलग। ये है पूर्व जन्म का प्रमाण।
हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए इसलिए इस जन्म में सन्यासी बन गए, और आप में से भी किसी को बनने की इच्छा हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। यदि अपने कुल में कोई साधु बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए, बौद्धों में तो इसको बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है बचपन में, इसलिए हर घर से एक बच्चे को सन्यासी बनाते हैं वो लोग, ऐसा जो बहुत श्रद्धा से निष्ठा से फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म को, घर में एक बच्चे को सन्यासी बना देते हैं। जैन धर्म में भी बड़े बड़े करोड़पति घर में साधु बनने को बहुत पुण्य मानते हैं। हमको साधु ढूंढना पड़ता है हिंदू धर्म में, ब्रह्म धर्म में साधु ढूंढना पड़ता है, लेकिन हमने भी संकल्प लिया हुआ है कि अपने जैसे कम से कम 1000 साधु बनाएंगे और वही हमारे उत्तराधिकारी होंगे। तो हमारा इधर से भी कुछ कुछ साधु बन रहा है, और आप लोग जो गृहस्थ नहीं बने हैं तो एक्सपेरिमेंट मत करना, तुम ही बन जाना। और किसी को शादी करने का बहुत चाव हो, शादी करने का बहुत लगन लगी हो, शादी करने की बहुत तमन्ना हो, तो एक बच्चा हमको दे देना पैदा करके, प्रॉमिस। अरे उसको हम बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, विद्वान बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे, और उसके द्वारा आपका, आपके कुलवंश का और बोडोलैंड का, असम का और भारत माता का उद्धार होगा, पूरी दुनिया में यश गौरव बढ़ेगा। अच्छा बताओ, हमने साधु बन के अच्छा काम किया कि बुरा काम? अच्छा, हमने घर छोड़ के अच्छा काम किया कि बुरा काम? तो ये काम आपको भी करना चाहिए कि नहीं? हम घर छोड़े तो अच्छा, हम सेवा करें तो अच्छा, हम साधु बने तो बहुत अच्छा। तो ये थोड़ा सा काम आप भी कर लेना। आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हमको देने हैं। अभी हम एक संस्कृत गुरुकुल चला रहे हैं, उसमें मात्र हमने 2000 रुपए शुल्क रखा है महीने का, साल भर का 24,000 रुपए। 2000, एक मजदूर भी आज 8-10 हजार रुपए कमा लेता है तो 2000 निकाल सकता है, उसके ऊपर खर्चा आता है हमारा 8-10 हजार रुपए, वो हम अपनी तरफ से देते हैं, 8,000 हमारा, 2000 तुम्हारा, और उसके बाद उन बच्चों को तैयार करते हैं, वो जो भी बनेंगे वही बनाएंगे। ये जो बनना है ना, हमारा काम है पुरुषार्थ करना, उससे बनेगा क्या, ये तो हमारा प्रारब्ध और हमारा पुरुषार्थ और भगवान का, गुरुओं का आशीर्वाद इससे तय होता है। तो मैं आपसे बात कह रहा था, हम 50 साल के बाद के भारत का सोच रहे हैं, और 50 साल के भारत का ही नहीं, हम ऐसी नींव डाल के जाना चाहते हैं इस देश से, दुनिया से जाने से पहले, जिससे आने वाले 500 साल नहीं, 5000 साल तक हमारे इस भारत भूमि का कोई बाल बांका ना कर सके, कुछ बिगाड़ ना सके। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, वो बहुत आगे बढ़े। इसके लिए बोडोलैंड, इसके लिए असम से, नॉर्थ ईस्ट से भी हमको बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। आप लोग तो मिले हो, बहुत अच्छे हो, अपने लिए आप ताली बजाओ, आप बहुत अच्छे हो, आप इतने सौभाग्यशाली हो कि सेवा में हाथ बटा रहे हो। सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य, गुरु का दर्शन बहुत बड़ा सौभाग्य है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागमा। तीर्थ एक वो होते हैं जो कहीं अलग अलग नाम, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों के ऊपर बने हुए, हरिद्वार काशी मथुरा आदि में बने हुए, अलग अलग तीर्थ बने हुए, कोई आश्रम बने हुए। साधु तो चलता फिरता तीर्थ होता है, उसका सत्संग लेना अपने आप में बहुत सौभाग्य, सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य, मनुष्य का जन्म मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज आप जो सेवा करते हो, ये तो 1 से 2, 2 से 4 घंटा बढ़ाते जाना। हमने अपना 100% सेवा के लिए दिया हुआ है, 99 नहीं, कितना, 100। आपको 10% देना चाहिए, कितना, जोर से बोलो, 10% दान। आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए दो, आपके पास 1000 रुपए है तो 100 रुपए दो, आपके पास 1,00,000 रुपए है तो 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1% से लेके 10%, धीरे धीरे। कुछ तो इतने कंजूस होते हैं, उनको देने में बहुत जोर पड़ता है,
लेकिन मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में लोगों के पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो भी लोग दान देते हैं, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। यहां पुण्य का संस्कार है, इसको बोलते हैं संस्कार। क्या बोलते हैं इसको? पुण्य का संस्कार है, सेवा करने का संस्कार है, दान देने का संस्कार है, तप करने का संस्कार है, योग करने का संस्कार है, ऐसा ये आपका प्रारब्ध है। बहुत बातें हैं कहने को, आज मैं सेवा के बारे में इतना ही कहूंगा। ये जो हमें इस जन्म में और अगले जन्म में भी उन्नत प्रज्ञा मिलने वाली, उन्नत निष्ठा, एक बार गुरु में, शास्त्र में, भगवान में एक बार भी हमारी निष्ठा डिगे नहीं, इसको बोलते हैं सत्यनिष्ठ। कैसे रहना हमें? सत्यनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, सेवानिष्ठ, निष्ठा एक बार भी हमारी डिगे नहीं। ये पुण्य का फल है जो आप सेवा कर रहे हो, इस सेवा का फल है। ऐसी निष्ठा आप में बढ़ेगी, आपकी बुद्धि प्रखर होगी और उस बुद्धि से इतना प्रकाश होगा कि आप धीरे धीरे इस जीवन में ऊंचे उठते जाएंगे। ऐसा है सेवा का फल। इसलिए सेवा को ना, कुछ लोग बोले हमने ये सेवा की, हमें क्या मिला? सेवा के बदले ये छोटी चीजें नहीं मिलती हैं, सेवा के बदले बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं। बड़ा जीवन का जो बड़ा कार्य है, बड़ी उपलब्धि है, सेवा का फल अनंत है। सेवा का फल क्या है बोलो? अनंत। सेवा का अनंत फल है, वो इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्म। आज पतंजलि योगपीठ की ओर से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का जो कार्य हो रहा है, जिन विदेशी कंपनियों को 200 सालों से कोई देश में चुनौती नहीं दे पाया था, उन विदेशी कंपनियों का यदि शीर्षासन करा दिया और मोक्ष होने की तैयारी है, तो यह सेवा का फल। सेवा का ये काम ऐसे नहीं हो जाते। अरे हम कहां, हमको तो पता भी नहीं था ये विदेशी कंपनियां कहां से चलती हैं, कैसे चलती हैं। अब तो इनका पूरा षड्यंत्र हमको पता लग गया है।